तो हे गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शहबाज व्लॉग्स। तो आज की स्टार्टिंग थोड़ी अलग की है मैंने। आज हम लोग चला रहे हैं निंजा 400। आप लोगों ने सिनेमैटिक देखा ही होगा। आप लोग अगर सिनेमैटिक पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करना। चलो आज देखते हैं निंजा 400 भी कैसी है। इंजन इतना स्मूथ है ना इसका। और सामने का व्यू भी ऑसम व्यू है सामने भी। आज के इस वीडियो में निंजा 400 का हम लोग टॉप स्पीड देखेंगे। नहीं, टॉप स्पीड तो नहीं करने मिलेगा शायद, बट हाँ 0 to 100 को कितना जल्दी पिक करती है वो देख सकते हैं हम लोग, क्योंकि अभी रोड खाली मिलेगा ऐसा लग नहीं रहा है। वाह, फुल्ली रिफाइंड इंजन। ऑसम है, ऑसम। थोड़ा अभी इधर तो रश है, मैं ट्राई करता हूँ एक खाली रोड ढूंढने का। स्मूथ एग्जॉस्ट एकदम। ऑसम पावर। गाड़ी क्या खींच लेती है यार। चलो यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं हम लोग, कम से कम 0 to 100 तो देखने का ट्राई कर ही सकते हैं। सेकंड गियर में 104। नाइस पावर है, नाइस। इतना रिफाइंड इंजन है ना यार, मतलब बोल रहे एकदम स्मूथ इंजन है।
इधर पे कैमरा एंगल सेट कर लेता हूँ, शायद मैंने ज़्यादा ही वाइड रख दिया है। लेट मी चेक। तो 1 2 3 स्टार्ट। सम पावर है यार, ऑसम एकदम। कमाल की ब्रेकिंग है, कमाल की। इतना हाई स्पीड भी इतना इजीली ब्रेकिंग होती है ना। एक्सलेंट ब्रेकिंग, एक्सलेंट। वाव क्या सही नजर है। बाइक की पावर तो बहुत ऑसम है, कुछ भी बोलो। और पावर के हिसाब से ब्रेकिंग और ज़्यादा ऑसम है। मतलब कितना भी हाई स्पीड पे मैं रहूँ, ब्रेकिंग बहुत कमाल का काम करती है। बट ऑब्वियसली कावासाकी मतलब एक वेल रिफाइंड इंजन। वैसे बाइक थोड़ी ओवर प्राइस है शायद, मेरे को तो पर्सनली ओवर प्राइस लगती है वो, क्योंकि अराउंड 5-5.5 लाख तक कुछ तो आती है ये ऑन रोड। बट हाँ, अगर कावासाकी लेना है, रिफाइंड इंजन लेना है, तो एक नंबर बाइक है। बस मतलब बोलते ना, एकदम स्मूथ। थोड़ा भी ट्रॉटल खोलो, बाइक रेडी। बाकी आप लोग मेरे को कमेंट में बताओ ज़रूर, क्या आपको निंजा 400 कैसी लगी है, क्योंकि मेरे को तो बहुत अच्छी लगी बाइक। अराउंड शायद R3 से 50-60 thousand का इसका कुछ तो डिफरेंस रहेगा शायद, मेरे को इतना ऑन रोड प्राइस R3 का इतना पक्का मालूम नहीं है, बट हाँ एक अंदाज़ा मुझे पता है। अब एक न्यू एंगल ट्राई करते हैं हम लोग, इसके लिए स्पेशली मैंने ये लगाया इधर। तो न्यू एंगल से देखते हैं अभी आगे का वीडियो, न्यू एंगल से देखो आप लोग। सो आप लोगों को ये न्यू एंगल कैसा लग रहा है मेरे को बताओ कमेंट में, मैं पहली बार ये एंगल ट्राई कर रहा हूँ। ऑब्वियसली अच्छा लग रहा होगा ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट आप लोग मेरे को बताना ज़रूर। और बस आज के लिए बस इतना ही। आई होप लोगों को ये शॉर्ट एंड सिंपल सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो इस ब्लॉग को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और आप अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। दैट्स इट फॉर टुडे, दिस इज शहबाज साइनिंग ऑफ।